कुर्सियों कुर्सियां खाली नहीं होती। एक बहुत अच्छे खुदा के सेवक है, उनका नाम है डॉक्टर पॉल यंगी चो। उनकी कलीसिया में 10 लाख से ज्यादा लोग पूरे हफ्ते में उनके चर्च में आते हैं। उनका चर्च बहुत बड़ा, ऐसी इससे बड़ा चर्च है। एक दिन की बात है, उनकी कलीसिया में एक कुर्सी रखी हुई थी, खाली कुर्सी, बीचों बीच चर्च के बीच में एक कुर्सी। तो लोग आए और पूछने लगे, पास्टर ये कुर्सी किसके लिए है? आप नहीं बैठते, कोई सेवक आके बैठता नहीं, ये कुर्सी किसके लिए है? डॉक्टर पॉल ने कहा, ये कुर्सी पवित्र आत्मा के लिए है। जब कलीसिया में पवित्र आत्मा के लिए कुर्सी होती है तो कलीसिया की कुर्सियां कभी खाली नहीं होती है। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया में पवित्र आत्मा मौजूद है और इसीलिए चर्च आज भर गया है। इसी प्रकार से जब आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा को जगह देंगे तो आपका जीवन खाली नहीं होगा, यीशु के नाम से। कितने लोग अपनी बाइबल लाए हैं? एक आयत निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय, और मैं एक से पढ़ना शुरू करूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुर्नियों और उसके सारे संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को न ले आ, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? 6 इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर में और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं ये देश, मैं वियारा, मैंने कहा मैं वियारा तेरे वंश को दूंगा। आपने आमीन नहीं बोला? वियारा यही है ना, वापस ट्राई करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं वियारा तेरे वंश को दूंगा, वह अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तो तू इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र का बाहर ले जाना न ले जाना। 9 तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जान के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। खुदा का वचन उत्पत्ति की किताब में एक बात सिखा रहा है कलीसिया को। आपको मालूम है एक अध्याय पहले क्या हुआ? एक अध्याय पहले अब्राहम अपने बेटे इसहाक को एक पहाड़ पर ले गया कि उसका बलिदान दे सके। सबको मालूम है? तो अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक को ले जा रहा था और उसने अपना चाकू उठाया तो परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आया और उसने कहा, इस बच्चे पर उंगली भी मत उठाना, तेरे लिए इंतजाम कर दिया है। सही बात है। आपको और मुझे मालूम है कि पुराना नियम, बाइबल कहती है पुराना नियम ये नए नियम की एक परछाई है। समझ आ रहा आपको? पुराना नियम जो है वो नए नियम की
परछाई है, मतलब अब्राहम ये परमेश्वर का रूप कर रहा है, ईसा ये उसके बेटे यीशु का रूप को बता रहा है। हालेलुया। और हमको मालूम है कि क्योंकि पुराना नियम परछाई है, नए नियम में परमेश्वर ने अपने बेटे को जब वो मार रहा था तो रोका नहीं। हेलो। और इस यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मर गया। इसके अगले अध्याय में एक अच्छी बात हो रही है। अब्राहम कहने लगा कि मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढनी है। सारे लड़के उधर मत देखो, सारे लड़के सामने देखो, लड़कियां आप भी इधर ही देखिए। अब्राहम कहने लगा मुझे मेरे बेटे के लिए एक लड़की चाहिए। और आप मालूम है शादी के समय माँ बाप दुनिया एक कर देते हैं अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी दुल्हन लाने के लिए। माँ बाप दुनिया एक कर देते अपनी बेटी के लिए राजकुमार लेके आने के लिए, होता है ना। जो लड़कियां यहां बैठी है सोच रही है मेरा राजा घोड़े पर आएगा, सबकी ख्वाहिश होते हैं। अब्राहम की भी ख्वाहिश थी, उसने कहा मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छी स्त्री चाहिए। और आपको मालूम है वो अपने दास से बात कर रहा है, अब्राहम एक दास से बात कर रहा है कि जा और मेरे बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन लेकर आ। सही बात है। ये दास कौन है? ये दास पवित्र आत्मा है। सुनिए ध्यान से, ये दास जो है ये अब्राहम का सेवक है। ये जाता है अगले देश में और वहां पर जाकर, मैं आपको कहानी बता रहा हूं ताकि समय बर्बाद ना हो, ये वहां पर जाता है और एक जगह पर बैठता है, कुएं पर बैठता है और अपने आप से परमेश्वर से मांगता है मुझे एक चिन्ह दे कि जो स्त्री तूने मेरे मालिक के बेटे के लिए रखी है वो सबसे पहले मुझे पानी पिलाएगी और उसके बाद मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी। सही बात है। और होता ऐसे कि थोड़े देर में रेबेका पानी भरने वहां पर आती है और रेबेका जब पानी भरती है और वो देखती है उनमें बातचीत होती है, रेबेका इस दास को पानी देती है और कहती है कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। आपको मालूम है ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये जो दास है ये पवित्र आत्मा है, रेबेका ये दुल्हन है। और ये दुल्हन मालूम है आज के जमाने में कौन है? ये दुल्हन आप और मैं है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि यीशु मसीह के लिए एक अच्छी दुल्हन लेकर आए। जब यीशु मसीह वापस आएगा तो वो एक सुकड़ी हुई दुल्हन के लिए नहीं आ रहा है, वो एक पापी दुल्हन के लिए नहीं आ रहा है। बाइबल कहती है वो एक ऐसी दुल्हन के लिए आ रहा है जिस पर कोई पाप का दाग पाया ना जाए। हेलो, क्या आप यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार है? कल किसी ने नहीं देखा है, आप कल के प्लान्स बना रहे हैं, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, कल हम घर खरीदेंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, पर मेरे भाई मेरे बहन कल किसी ने नहीं देखा है। वचन कहता है कि जिंदगी ये भाग के मानद है, आज है और कल चली गई। मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं करता है, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के साथ सही है? क्या आपने पापों की माफी मांगी है? क्या आपको दिल में मालूम है कि आप मरने के बाद यीशु मसीह के पास जा रहे हैं? बहुत से लोग इस बात को कल के लिए रखते हैं, अरे कल देखेंगे ना, कल देखेंगे ना, आज मजा कर लो, आज ऐश कर लो, आज ये काम कर लो। बट आपसे मैं आज चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, इस सवाल को छोड़ने से पहले आपको दिल में मालूम होना चाहिए प्रभु मर भी जाओ तो भी मुझे विश्वास है मैं तेरे पास आ रहा हूं। तो परमेश्वर या अब्राहम ने एक दास को भेजा कि उसके बेटे के लिए दुल्हन लेकर आए। नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा कि यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन लेकर आए। वो दुल्हन आप और मैं है। हालेलुया। तो इस दास को दुल्हन
दुल्हन मिल गई, बोलिए दुल्हन मिल गई। अरे भाई पेड़े बटेंगे, दुल्हन मिल गई। पर सुनिए एक आयत पढ़ेंगे, इसी में आगे जाइए 22 वचन पढ़ेंगे, 22 उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय 22 वचन। सुनिए इस प्रकार से लिखा है, जब ऊंट पानी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना, कितना कितना आधा तोला सोना। तभी मैं बोलूं स्त्रियों को सोना क्यों पसंद है, हस्बैंड लोग दिनों रात काम करके घर में पैसा लाते हैं, स्त्री के लिए आधा तोला सोना दो। आप मुझे समझ रहे हैं भाई साहब, क्यों हमने शुरू नहीं किया, ये तो अब्राहम के जमाने से चल रहा है। वो दास ने सुनिए क्या किया, जब उसको दुल्हन मिल गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पूरे समाचार में कुछ नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं, इस बात को भूलना नहीं जी। लिखा है जब ऊंट पानी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोना का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने का कंगन उसके हाथों में पहना दिया। जब दास को रेबेका मिली तो उस दास ने रेबेका को तोहफे दिए। तोहफों को हम गुजराती में क्या कहते हैं, भेंट, बोलिए भेंट। कितने लोगों को भेंट पसंद है, बर्थडे में भेंट चाहिए, शादी की सालगिरह में भेंट चाहिए, भेंट दी। दास ने रेबेका को क्या दिया, भेंट दिया। मालूम है क्यों, क्योंकि जब वो अब्राहम के पास जाती तो उसके पहले सच कर जाती, खूबसूरत बन कर जाती। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है कि कलीसिया को भेंट देकर कलीसिया की खूबसूरती को बनाए। हालेलुया। कोई कलीसिया परफेक्ट नहीं होती, कोई कलीसिया सिद्ध नहीं होती। आज इतनी बड़ी कलीसिया इस चर्च ने खड़ी करी है तो भी 10 लोग चर्च के बाहर खड़े रहकर बोलेंगे दाल में नमक कम था, तो भी 10 लोग खड़े रहकर बोलेंगे पंखे का हवा नहीं लगता, तो भी 10 लोग खड़े रहकर बोलेंगे अरे भाई साहब कितना लंबा प्रचार करते हैं आप, टीवी में 4-4 घंटा बगैर रुकते देख सकते हैं और प्रचार सुनने में हूं। कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई कलीसिया सिद्ध नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा कि वो कलीसिया की खूबसूरती को बढ़ाए। हेलो, आज यहां से कोई बदसूरत नहीं जाएगा, आज यहां से कोई बीमार नहीं जाएगा। मैंने कहा आज यहां से कोई बीमार नहीं जाएगा, आज यहां से कोई बंधन में नहीं जाएगा, क्योंकि जो पवित्र आत्मा यहां पर है वो सिर्फ अन्य भाषा नहीं देता, वो सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं कराता, वो सिर्फ आपको कल की बातें नहीं बताता, बट वो व्यक्तिगत जीवन में आपकी और मेरी खूबसूरती को बढ़ाता है। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत से मसीह लोग पवित्र आत्मा को हैरी पॉटर की जादू की छड़ी जैसा इस्तेमाल करते हैं कि जब सामर्थ की जरूरत होगी तो हम अन्य भाषा में बात करेंगे, और जब सामर्थ की दुष्टात्मा जब आती है तो हम अन्य भाषा में। पर पवित्र आत्मा कोई जादू की छड़ी नहीं है, पवित्र आत्मा ये एक व्यक्ति है आपके और मेरे जैसे है। वो आपके साथ चलना पसंद करता है, वो आपके साथ बात करना पसंद करता है। आपका बच्चा है, कितने लोगों का बच्चा है, आप लोगों के बच्चे है ना, सोच कर देखिए आपका बच्चा आपके पास आए बोले मम्मी एक आखिरी बार मैं आपसे चॉकलेट मांग रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आपको कैसा लगेगा। अरे बेटा मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा बाप हूं। ठीक उसी प्रकार से जब आप पवित्र आत्मा से कहते पवित्र होता है एक बार प्रभु, वो कह रहा है अरे मैं तेरा आसमान का खुदा हूं, मैं एल शदाय परमेश्वर हूं। खुदा का रूल जगह पर इसलिए है कि वो आपको और मुझे खूबसूरत बनाए। एक दिन की बात है, मेरे जैसा एक जवान लड़का अपने बाप के घर को छोड़कर गया, सारा पैसा लेकर गया, बाप से कहा मुझे मेरे संपत्ति का आधा हिस्सा दे दे। एक बाप के लिए सबसे दुखद बात यह होती है जब उसके
उसके बच्चे उसके जीते जी उससे संपत्ति का हिस्सा मांगे, दुख होता है। पर इस बाप ने अपने बच्चे को संपत्ति दे दी। ये बेटा आया, अलग देश में आया, ऐश करने लगा, दोस्तों के साथ खेलने लगा, सारी चीजें करने लगा, इसके सारे पैसे खत्म हो गए। ये लड़का जो अपने बाप के घर में मालिक था, बेटा था, अब बाइबल कहने लगी एक दिन आया जब इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, ये जगह पर गया, दूसरे घर में गया, वहां पर सुअर लोग थे, सुअर, और वहां पर उनको खाना खिलाने लगा, और खाना खिलाते खिलाते कह रहा मैं भी थोड़ा सा खा लूंगा। इसके दिल में विचार आया, मैं अपने बाप के घर में क्या था और अब मैं क्या हो गया हूं। आपको मालूम है, इस बात को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने अपने कलीसिया का हाथ नहीं छोड़ा है, परमेश्वर सुअरों में से निकालकर बाप के घर में बिठाने वाला परमेश्वर है। अगर आप में से कोई आज यहां पर है जो कहता है मैं सुअरों के बीच में हूं, चिंता मत करिए, आसमान के खुदा का रूह मौजूद है कि वह आपको गंदगी से निकालकर बाप की मेज पर रखे। सिर्फ परमेश्वर सुअरों की मेज से निकालकर बाप की मेज पर रख सकता है, किसी मनुष्य के पास ताकत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पवित्र आत्मा कलीसिया की खूबसूरती को बढ़ाता है। क्या आप मेरे साथ है? मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा। 3000 लोगों की आवाज नहीं आ रही, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे खूबसूरत बना। आपको मालूम है बहनों, आपका मेकअप बहुत महंगा है, आप मेकअप लगाइए सुबह शादी में जा रहे, हस्बैंड कहते हो वाह तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, रात को आके मेकअप धो दिया, तू कौन है, कहां से आया तू, मेरा पैंट शर्ट पहनना, मेरा हेयर कट, मेरी अच्छी बातें, मेरी घड़ी, मेरा चलना, ये मेरी खूबसूरती नहीं है। पवित्र आत्मा का काम बाहर से अंदर नहीं होता है, पवित्र आत्मा का काम अंदर से बाहर होता है। हालेलुया। क्या फायदा कि शरीर में मैं खूबसूरत रहूं पर अंदर मर जाऊं। आज बहुत से मसीह लोग ऐसा जीवन बिता रहे हैं जो बाहर को लगता है वाह पादरी साहब क्या अन्य भाषा में बात करती सिस्टर आप, क्या चलने के काम कर रहे आप, बट अंदर से आदमी मरा हुआ है, थक गया है। हेलो, पर आज परमेश्वर सिर्फ बाहरी को नहीं ठीक करेगा, वो अंदर भी खूबसूरती को लाएगा। आपका मेकअप उतर जाएगा बट जो खूबसूरती पवित्र आत्मा देता है वो नहीं उतरती। हालेलुया। मैं ना तुमसे बात कर रहा हूं, तुमको किसी लड़के की जरूरत नहीं है कि वो आके तुमसे बोले तुम खूबसूरत हो। परमेश्वर ने तुमको अपना नाम लेकर बुलाया है, वो तुम्हारे सर के बालों को तक जानता है। मेरे भाई, तुमको किसी आदमी की जरूरत नहीं कि वो तुमसे कहे तुम अच्छे हो। परमेश्वर ने तुमको नाम लेकर बुलाया है, तुम उसके जीते जागते सेवक बनोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा कलीसिया की खूबसूरती को बढ़ाता है। कोई भी कलीसिया जो टूट जाती है, बिखर जाती है, मनुष्य चाहता है कि अपने फायदे की बात करे, बट परमेश्वर इकट्ठा करके खूबसूरती को बढ़ाता है। आज ऐसे कोई स्त्री, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग बेपदसूरत नहीं घर लौटेगा। आज जब आप घर जाएंगे तो पड़ोसी बोलेगा आप में कुछ अलग नजर आ रहा है, क्या हो गया, कहां गए थे आप, मेकअप कराने गए थे, सलून गए थे। आप कहेंगे जब किसी ने मुझसे ये कहा चलो प्रभु के घर को चले मेरा मन आनंदित हुआ। आप उनसे बोलेंगे मैं तो प्रभु के घर पे जाकर आई जिसने मेरे अंदर और मेरे बाहर खूबसूरती को बढ़ा दिया। एक दिन की बात है, यीशु मसीह बैठे थे अपने चेलों के साथ और यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार करे थे, बड़े बड़े चमत्कार करे थे,
लाजर को जिलाया था, लाजर को जिलाया था, पानी को मैं में बदल दिया, यायर की बेटी को जिला दिया, कितने पानी में चला, आंधी तूफान को थमाया। ये चेले जिन्होंने सब कुछ देखा था, सब कुछ देखा था, तो भी ये डर गए। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में ये कहने लगे, प्रभु तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा। हेलो, आपको भी सवाल आया होगा ना, बिशप साहब चले गए, अब हमारा कलीसिया को चलाने वाला कोई आदमी नहीं होता, कलीसिया को चलाने वाला यीशु मसीह होता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर कोई मनुष्य ये कलीसिया बनाता ना, तो अब तक ये कलीसिया नहीं टिकती। ये कलीसिया को यीशु मसीह ने बनाया है, इसलिए नरक के फाटक इस पर प्रभाव नहीं हो पाएंगे। कलीसिया को लोग बनाते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर घर को परमेश्वर ना बनाए, है ना, अगर घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप में से बहुत से लोग कुछ बनाना चाहते हैं, हम घर बनाएंगे, हम बिजनेस बनाएंगे, हम खेती बनाएंगे, अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगे। आप मत बनाइए, आप बनाएंगे तो गिर जाएगा। परमेश्वर से विनती करिए, पवित्र आत्मा मेरे बच्चे का भविष्य बनाइए, पवित्र आत्मा मेरी सेवका को सेविकाई को बनाइए, पवित्र आत्मा आप मेरे शादी में प्रॉब्लम है, लोगों ने कोशिश कर ली शादी में आके कि आपको इकट्ठा कर ले, घर को बनाने नहीं हो पा रहा। आज पवित्र आत्मा से बोलिए, पवित्र आत्मा तू खूबसूरत करने वाली आत्मा है, आज मेरे घर को आके खूबसूरत करके चले जा। इसलिए मालूम है बहुत से कपल्स आज प्रार्थना होगी, बट शादी होने के बाद, मेरे पापा को 27 साल हो गए सेविकाई में, मैं दूसरे पीढ़ी का पास्टर हूं, मेरे पापा को 27 साल हो गए, मैंने 27 साल लोगों का आना और जाना देखा है, और वो लोग जो स्टेज के सामने आके शादी लगवाते हैं, अक्सर वो लोग कोर्ट में जाके अपनी शादी तोड़वाते हैं। अगर आप धूमधाम से शादी कर सकते हैं तो धूमधाम से चर्च में शादी तोड़िएगा। हेलो, ढेरों को मैंने आके देखा है, मालूम है क्यों? क्योंकि शादी चर्च में लगती है, बट शादी होने के बाद आवाजें जो आती है वो आस पड़ोस की आती है, मामा मामी की आती है, काका काकी की आती है। अच्छा ऐसा बोला, अब तू जाके उसको अच्छा कर, अच्छा कर। और शादियां जो पवित्र परमेश्वर की नजर में खूबसूरत बात है, लोग बिगाड़ देते हैं। पर आज नहीं, आज हर एक शादी यहां से खूबसूरत होके जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोलिए आमीन। शैतान का काम है, तीन चीजों के लिए शैतान आता है, नजराना देने के लिए, दशवांश देने के लिए और खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सही बात है? हाँ नहीं, शैतान तीन चीजों के लिए आता है, पहला मारने के लिए, घात करने के लिए, दूसरा चुराने के लिए, तीसरा बर्बाद करने के लिए। बट यीशु मसीह ने कहा, मैं आता हूं कि तुमको जीवन दो और अब तक का जीवन दो। आज यहां से लोग मृत्यु के साथ घर नहीं जाएंगे, आज आप यहां से जीवन के साथ घर जाओगे। बोलिए आमीन। पवित्र आत्मा ये किसी भी कलीसिया के लिए अनिवार्य है। मेरी दुआ आपके लिए आज की सुबह ये है कि ये पवित्र आत्मा, आपको मालूम है पेंटिकॉस्ट का दिन, चर्च का नाम भी पेंटिकॉस्ट से कुछ है ना, पेंटिकॉस्ट मालूम है आपको क्या होता है? पेंटिकॉस्ट, अभी हमने तीन संडे, चार संडे पहले पेंटिकॉस्ट संडे बनाया था। पेंटिकॉस्ट संडे वो होता है ईस्टर के बाद, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, उसके 50 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरा। सही बात है? ईस्टर के दिन जब यीशु मसीह उठाए गए तो सारे चेले वहां पर थे, चेलों ने सारे चमत्कार देखे थे, पर पेंटिकॉस्ट के दिन तक किसी ने एक भी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास नहीं लाया।
क्योंकि वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आप चीजें जो अपनी ताकत में करना चाहते हैं नहीं कर, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पतरस की बात करेंगे, पतरस इसका यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, ये यीशु मसीह का दोस्त था, पर इसने ये पतरस जो यहां बैठा हुआ था, एक छोटी बच्ची आई पूछने लगी तू यीशु मसीह का चेला है ना, उसने डर के कह दिया मैं यीशु मसीह को जानता तक नहीं हूं। थोड़े दिनों में जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, ये पतरस जो बात नहीं कर पा रहा था, अब ये पतरस 3000 लोगों के सामने प्रचार कैसे कर सकता है? बाप रे, क्या चेंज है, क्या टॉलिक किया पतरस ने, क्या हुआ इसे? हुआ इसके साथ ये कि जब ये यहां पर था इसके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं था, पर जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा, ये पतरस जो बोल नहीं पाता था अब प्रचार करने लगा है। कहां से आया? मेरी बहन, मेरे भाई, तुमसे लोग कहते तुम्हारी उम्र हो गई है अब बस कर दो, उनसे कहना मेरी उम्र तब तक नहीं होगी जब तक परमेश्वर ना कहे। तुमने जीवन नहीं दिया, तुम जीवन ले नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा जिंदगियों को बदल देता है। पेंटिकॉस्ट का मतलब यह होता है कि 50वें दिन पे खुदा का रूह कलीसिया पर उतरा। यीशु मसीह के जाने के बाद कितनी कलीसिया पैदा हुई? एक भी नहीं। पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियाएं पैदा हुई, और वो काम सुनिए, इसीलिए कलीसिया को किसी मनुष्य ने चालू नहीं किया, इसीलिए कोई मनुष्य बंद भी नहीं कर पाएगा। कलीसिया को किसी पार्टी ने चालू नहीं किया, इसलिए कोई पार्टी बंद भी नहीं कर पाएगी। कलीसिया को किसी एक आदमी ने बोलकर चालू नहीं किया, इसलिए कोई एक आदमी के बोलने से कलीसिया बंद भी नहीं होगी। कलीसिया को यीशु मसीह ने बनाया है, उसके दूसरे आगमन तक कलीसिया बढ़ती रहेगी। हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा, बोलिए पवित्र आत्मा, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जब आता है, मैं आपको तीन चीजें दूंगा, तीन चीजें, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहली बात, जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? जब पवित्र आत्मा आता है तो मेरे ऊपर आता है। बोलिए मेरे ऊपर, मेरे अंदर, मेरे द्वारा। समझा आपको? तीन चीजें, बोलिए मेरे ऊपर, मेरे अंदर, मेरे द्वारा। जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहले वो मेरे ऊपर आता है, और जब पवित्र आत्मा ऊपर आता है तो क्या होता है? बंधन टूट जाते हैं। मैंने कहा बंधन टूट जाते हैं। मैं अपनी गवाही आपको बताता हूं, मुझे 8 महीने का जब मैं था तो सर में दर्द होता था, मैं रोता था, हमको नहीं मालूम था कि मैं क्यों रोता हूं, इतना रोता था। रात में मम्मी डैडी हर रात को आके क्या पता झूला झुलाते थे, पड़ोसियों को लगता था मम्मी डैडी मुझे मार रहे हैं इसलिए बच्चा रो रहा है। नहीं, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इसको माइग्रेन है, माइग्रेन, सर में दर्द होता है, सर फटता है। तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इसको जिंदगी भर गोलियां लेनी पड़ेंगी। क्या बोला? जिंदगी भर गोलियां लेनी पड़ेगी। एक दिन की बात है, मेरे मम्मी डैडी आए, उपवास प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा ये बच्चा गोलियां लेने के लिए पैदा नहीं किया है, ये बच्चा परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए पैदा किया है। उस दिन से लेकर अब तक पता नहीं माइग्रेन कहां चले गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बंधन तोड़ दिया।
तो मेरे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अरे क्या हो गया? डॉक्टर के पास गए। इसलिए मेरे को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है। जब जब आप एक बात के लिए जाओ, 10 बातें लेकर आती हो। डॉक्टर के पास गया, क्या हो गया? तुमको टेंशन है, तुमको एंजाइटी है, हाइपर टेंशन है। मैंने कहा 16 साल का लड़का हूं, पानी का बिल भी नहीं भरना है, किस बात का टेंशन है मुझे? क्या टेंशन ले रहा हूं मैं? मेरी तो शादी भी पूरी हुई है, क्या टेंशन ले रहा हूं मैं? डॉक्टर ने कहा, मुझे वो पंप दिया, पंप देखा आपने? देखा आपने लोगों को पंप लेते हुए? मैं 17 साल 18 साल की उम्र में स्कूल में पंप लेकर जाता था। मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूं, मैं खिलाड़ी हूं, नेशनल लेवल मैंने खेला है इंडिया के लिए, खिलाड़ी हूं मैं। मैंने कहा प्रभु, पंप लेके थोड़ी खेल सकता हूं। कभी आपने सब तालियां बजा लिया था। मेरे को पंप दिया, ये क्या है यार? सांस लेने में तकलीफ, ऐसा लगता था अब मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा इससे कुछ हो नहीं रहा है। डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी, नींद की गोलियां। जिनको हाइपरटेंशन है, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, आपको मालूम होगा, आपको नींद की गोलियां देती है। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई, कोई इलाज नहीं कि ठीक हो जाए। नींद की गोलियां दी। मुझे नींद की गोली कैसे दिखती है, उसका स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कहां मिलती है, कैसे निकलवानी होती है, मुझे सब मालूम है। मैंने 2 साल के लिए नींद की गोलियां लेकर मैं सोता था, रात को 12 बजे सोता था मैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। एक दिन की बात है, मैं मेरे हाथ में पंप था, गोलियां थी। मैंने कहा प्रभु, गोलियां लेने के लिए पैदा नहीं किया है, मैं पैदा हुआ हूं कि तेरे सुसमाचार का प्रचार करूं। मैंने सारी गोलियां ली और जाके कूड़े में डाल दी, डस्टबिन में डाल दी। मैंने कहा प्रभु, विश्वास के साथ। उस दिन के बाद से आज तक ना पंप की जरूरत पड़ी, ना सोने के गोलियों की जरूरत पड़ी। परमेश्वर ने सारे बंधनों को तोड़ दिया। पहले दवाई लेता था सोने के लिए, अब 4 लोग लगते हैं उठाने के लिए। उड़ जाओ भाई, अब तोड़ जाओ, सुबह होगी। परमेश्वर कर सकता है, बंधन तोड़ सकता है। एक स्त्री मेरे चर्च में आई, कहने लगी पास्टर 3 बार क्या बोलते हैं उसको, मिसकैरेज हो गया, 3 बार बच्चा गिर गया है, आप कुछ करिएगा। अभी हम लोग डॉक्टर लोग हैं क्या? हम लोग डॉक्टर थोड़ी है। पर बाइबल कहती है कि जब लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को देखा तो वो लोग पौलुस से रुमाल लेकर जाते थे और बीमारों पर टाल देते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। हेलो, एक दिन की बात है, एक लड़का मेरे चर्च का लड़का मेरे पास आया। 2 महीने से 40 दिन से उसके दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट। मैं मिल नहीं पा रहा क्योंकि मैं जगह जगह जाके प्रचार कर रहा हूं और मुझे बुरा लग रहा है। मैंने कहा प्रभु, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जाके प्रार्थना करूं। तो परमेश्वर से मैंने कहा प्रभु, पौलुस से लोग रुमाल लेके गए तो मेरे से भी जब लोग रुमाल लेके जाएंगे तो चंगे होंगे। तो मैंने अपना रुमाल लिया सुबह, मैंने कहा प्रभु पूरे दिन उस रुमाल को अपने साथ रखूंगा और शाम में उस बच्चे को दे दूंगा। शाम में वो लड़का आया, मैंने कहा ये रुमाल अपने दादा को जाके दे दो। जो आदमी 40 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था वो 2 दिन में हॉस्पिटल से बाहर आ गया, क्योंकि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। ये स्त्री मेरे चर्च में आके लगी 3 मिसकैरेज हो गए, 3 बार बच्चा गिर गया, आप कुछ करिए। हमने कलीसिया को बुलाया, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, ये कलीसिया का काम होता है। हमारा काम है इस टूटती दुनिया में, इस दुनिया में जहां पे बीमारी है, इस दुनिया में जहां पे दुख है, कलीसिया को इसलिए स्थापित किया गया था कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरकर बीमारों को चंगा करें। तो मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा यीशु के नाम से आज उस बहन को एक अच्छी लड़की पैदा हुई, बेबी गर्ल पैदा हुई। क्यों मालूम है?
क्योंकि बांसपना का बंधन टूट गया। मेरा एक फ्रेंड है, वो ब्रीफ कर रहा था, उसके मीटिंग में एक स्त्री आई। उस स्त्री ने, उसका पेट बाहर था, मतलब उसके पेट में 9 हफ्ते का बच्चा था। वो स्त्री आके बोलने लगी, पास्टर मेरे पेट में 9 हफ्ते का बच्चा है, हमने सोनोग्राफी कराई है बट बच्चा मर गया। तो उस पास्टर ने अपना हाथ लिया, उस स्त्री के पेट पर रखा और मालूम है क्या कहा, लिव, जिंदा हो जा। 3 बार बोला जिंदा हो जा। अगले दिन सुबह, बोलिए अगले दिन सुबह, अगले दिन सुबह 7 बजे वो लेडी का मैसेज आता है, पास्टर बच्चा सिर्फ जिंदा नहीं है बट गोल गोल घूम रहा है। बांसपने का बंधन, मृत्यु का बंधन पवित्र आत्मा तोड़ देता है। आज ऐसी कोई बीमारी नहीं है नरक के पास जिसका सल्यूशन पवित्र आत्मा के पास नहीं है। ऐसा कोई दुख आपके जीवन में नहीं है। घर पे झगड़े होते हैं, पापा दारू पीते हैं, मम्मी गालियां बकती है, आप परेशान हो गए हैं, ऐसा कोई दुख नहीं है नरक के पास जो आज परमेश्वर आपका बंधन ना तोड़े। आप और मैं शराब की संतान नहीं है, आप और मैं अब्राहम की संतान है, आप और मैं आशीष की संतान है। हालेलुया। सबसे पहला काम, जब पवित्र आत्मा मुझ पर आता है तो मेरे बंधन टूट जाते हैं। सेवक लोग आपसे बात कर रहा हूं, आपको मालूम है दाऊद एक दिन प्रार्थना करने लगा, भजन उसके 58 में दाऊद प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना कर रहे दाऊद? कह रहे परमेश्वर से, प्रभु मेरे दिल को साफ कर। बोलिए मेरे दिल को साफ कर और मुझे एक नई आत्मा दे। हम अपने जिंदगी भर के दिन के कामों में इतने व्यस्त होते हैं, सेवकाई करते करते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको पता भी नहीं लगता कि हमारी आत्मा थक गई है। हम थक चुके हैं। सेवक तो आपकी कलीसिया इतनी बड़ी है, लोग आके आपसे बात करते हैं, अपने घर की प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं, आपका दिल लोगों की प्रॉब्लम से भरा हुआ है, हमको पता भी नहीं चलता जब हम घर जाते हैं, मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया हूं, मैं तो हंसने वालों में से हूं, मेरे पापा तो हंसने वालों में से हैं, ये इतने चिड़चिड़े क्यों? क्योंकि दिल लोगों की प्रॉब्लम से, बोझ से दब गया है। इसलिए दाऊद दुआ करने लगा। दाऊद कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु मेरे दिल को साफ कर और मुझे एक नई आत्मा दे। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं, आपकी आत्मा आज यहां से नई होकर जाएगी। आपकी आत्मा थकेगी नहीं पर आप एक ब्रांड न्यू आत्मा के साथ घर लौटेंगे। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए प्रभु मेरे जीवन को खूबसूरत बना। परमेश्वर बंधन को तोड़ता है। आपको मालूम है भारत देश में कितने जेल हैं? जेल, कैदी घर बोलते, क्या बोलते, जेल, सबको जेल मालूम है? आप सब गए हैं? नहीं। हाँ, हम रोज जाते हैं जेल में। भारत देश में कितने जेल हैं? मेरा एक दोस्त है, वो अपने दोस्त को जेल से छुड़ाने गया। ये दोस्त जो अंदर था, समझ लीजिए बंटी, बंटी अंदर था और कोई नाम बताइए पादरी साहब, बंटी और सुलेमान, क्या नाम चूज किया ये सच्ची कहानी है, बट आपको नाम इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझे। बंटी जेल से बाहर निकल रहा है, सुलेमान गाड़ी लेकर जेल के बाहर खड़ा है, बंटी गाड़ी में बैठता है, दोनों लोग खुश होकर एक दूसरे को गले मिलते हैं। गाड़ी निकलती है जेल से, 200 मीटर जाती है, थोड़ा सा आगे चौराहे पर जाती है, वहां पे पुलिस गाड़ी चेक करती है, सुलेमान की गाड़ी में ड्रग्स मिलते हैं, ड्रग्स, नशा। हाँ, तो जैसे 200 मीटर में गाड़ी आई थी वैसे यू टर्न मार के फिर जेल में चली जाती है। इस बार बंटी और सुलेमान दोनों जेल में चले गए।
आज बहुत से मसीहों के साथ भी यही हो रहा है। आप खुदा के घर में आते हैं, यहां से आजाद होते हैं, 200 मीटर में शैतान याद दिलाता है तुमने ये पाप किया है, तुम इस बंधन में हो, पर आज नहीं, आज इस कलीसिया के लोग यहां से आजाद जाएंगे, आपके बच्चे सेवकाई करेंगे, आप सेवकाई करेंगे, आपकी बीवी सेवकाई करेगी और आसमान का खुदा अपने राज्य को इस देश में स्थापित करेगा। आपको मालूम है जब कोई जेल से बाहर निकलता है कोई जॉब देता है उनको? पढ़े से पढ़ा लिखा आदमी हो, ग्रेजुएट भी होगा ना, आपने क्या किया? मैं ग्रेजुएट हूं, मैं मास्टर्स हूं। अभी आप किधर थे 2 साल पहले? मैं अभी जेल से बाहर निकला हूं। आपको हम काम नहीं देंगे, हम खुद नहीं देंगे काम। लोगों की सुनिए, हम मसीह लोगों के जेल से बाहर निकलने वालों को काम नहीं देंगे। इसलिए भारत देश में ऐसा होता है कि जो लोग जेल से बाहर निकलते हैं वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ करके फिर जेल में चले जाते हैं। कम से कम खाने के लिए रोटी तो मिलेगी। बहुत जरूरी है मसीह आपसे बात कर रहा हो, जब परमेश्वर आपको आज बंधनों से तोड़ता है, जब आजाद करता है। पतरस की सास बीमार थी, है ना? पतरस की सास, उसको क्या हो गया था? बुखार था, बुखार। तो यीशु मसीह गया और पतरस की सास को उसने चंगा किया। तो फिर पतरस की सास क्या करने लगी? बाइबल कहती है वो खाना बनाने लगी। जब बंधन आपके टूट जाते तो कुछ करना शुरू करिए, सेवकाई करना शुरू करिए। किसी के लिए रुकिएगा नहीं, मुझे किसने बोला नहीं, मुझे किसी ने पूछा नहीं, नहीं। जब परमेश्वर आज बंधन तोड़ता है, आप खुदा से पूछिए मुझे क्या करना है, मुझे तेरी सेवकाई करनी है। मत रुकिएगा कि कोई आके आपको बोले कि ऐसा करो वैसा करो। जब बंधन टूटते हैं आपको खुद से उठकर परमेश्वर का काम करना शुरू करना है। बहुत से मसीह बंधन टूटने के बाद फिर जाके बिस्तर में सो जाते हैं, फिर बीमारी आ जाती है। आज नहीं, बोलिए आज नहीं। आज यहां वहां से आजाद जाते हैं, आज यहां से आजाद जाते हैं और परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मेरे बंधनों को तोड़ता है, मुझे साफ करता है। अगर आप में से कोई है जो कहते हैं पादरी साहब मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, आप उड़ाव पुत्र से तो गंदे नहीं हो सकते ना, उसने न जाने क्या क्या गंदे काम करे थे, पर खुदा का शुक्र करता हो परमेश्वर बाहरी इंसान को नहीं देखता, परमेश्वर अंदर के दिल को परखता है। लोग बाहरी रूप से देखकर गलत जज करते हैं। इसलिए शमूएल जैसा नबी जेसी के घर पे जब गया तो क्या कहने लगा? ये राजा है? परमेश्वर ने कहा नहीं, ये राजा है, ये तो बच्चा हट्टा कट्टा है। पास्टर एलीश जैसा ये राजा है? नहीं। ये होगा, ये पास्टर शालू जैसा बड़ा हट्टा कट्टा, ये राजा है? नहीं। तो कौन है राजा? आपको मालूम है सात हट्टे कट्टे के चक्कर में लोग, हट्टों कट्टों के चक्कर में, खूबसूरती के चक्कर में लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। पर जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है, जब परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो बाहरी रूप से नहीं चुनता, दिल को जांच कर चुनता है। उन सातों भाइयों में सबसे हट्टे कट्टे सात भाई थे, सबसे कमजोर, सबसे छोटा और सबसे बदबू आने वाला। दाऊद मालूम है कैसा था? दाऊद बदबू आती थी उससे। इसलिए सेवक को आपसे कह रहा हूं, आप में किसी परफ्यूम की बदबू नहीं आनी चाहिए, एक चरवाहे की बदबू उसके भेड़ों से आती है। You and me should smell like our sheep. दाऊद आया, समूएल खड़ा था, ये जैसी से पूछने लगा, तेरा कोई और बेटा है क्या? कह रहा एक बेटा है मेरा जो चरवाहा है, जो क्या है? चरवाहा है। उसने कहा उसको बुलाओ, उसके बगैर खाना नहीं होगा। मैं दुआ करता हूं आज लोगों के जीवनों में जब तक आप ना पहुंचे तब तक खाना शुरू ना हो। दाऊद आया, जैसी परमेश्वर ने जैसी से कहा ये है वो, ये छोटा है, इससे बदबू आती है, लाली झलक रही है, क्यूट है ना। लड़की लोग कहते कितना क्यूट है,
हालेलुया। और आपको मालूम है शमूएल ने जब दाऊद राजा का अभिषेक किया एक अध्याय बाद जिस गोलायत को बड़ी से बड़ी सेना मार नहीं पा रही थी, उस गोलायत को दाऊद ने अकेले एक पत्थर से मार दिया। जब पवित्र आत्मा आता है आपकी खूबसूरती बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है, बंधन टूट जाते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु, बोलिए प्रभु, मेरी खूबसूरती को बढ़ा। लोग आके नहीं कहेंगे अरे बड़ी खूबसूरत हो तुम, पर आपको दिल में मालूम है परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। दूसरा काम, बाकी सब कितना रखे मेरे पास, दूसरा काम, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा मेरे, बोलिए किधर, किधर, अंदर। इसलिए पौलुस कहने लगा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। और इसमें कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। इसलिए जब आखिर की आशीष दी जाती है, अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता। पुराने नियम में पवित्र आत्मा तीन लोगों पर आता था, राजा, नबी, याजक। पवित्र आत्मा आता था, जो इनको बोलना था ये बोल के पवित्र आत्मा चले जाता था। नए नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ आता नहीं है, पर आपके और मेरे अंदर रहता है। मैं अक्सर अपने लोगों से कहता हूं, परमेश्वर को सोने चांदी के बर्तन नहीं चाहिए, परमेश्वर को मिट्टी के बर्तन चाहिए जो साफ है। इसलिए यरमाया कहने लगा 6 अध्याय में, प्रभु तेरी अग्नि से मुझे साफ कर, मुझे साफ कर, मेरे ओठों पर तेरा कोयला लगा, मेरी जुबान को साफ कर। हेलो, यहां पे हालेलुया के नारे लगा के घर पे कोई और भाषा बोलनी अच्छी बात नहीं है। यहां पे होशायाह के नारे लगा के हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करना अच्छी बात है, पर अगर आपके घर में ये काम नहीं हो रहा है तो आप अशुद्ध हैं। पर आज परमेश्वर अशुद्धता को साफ करने वाला है। बोलिए आमीन। बोल प्रभु मुझे साफ कर। बोलिए प्रभु मुझे साफ कर, मेरे ओठों को साफ कर। पता नहीं मेरे मुंह से ऐसी बातें कैसे निकल जाती है। अरे पता नहीं का मतलब क्या है? जुबान, बाइबल कहती है जुबान का अभिषेक नरक से हुआ है। मालूम है आपको, जो जीव है आपकी जीव, जुबान, इसका अभिषेक कहां से, स्वर्ग से नहीं हुआ है, इसका अभिषेक नरक से हुआ है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है तो सबसे पहली चीज जो साफ होती है वो आपकी जीभ होती है। इसीलिए अपन ये भाषा में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जीभ जो पहले गंदी बातें करती थी, ये जीभ जो पहले गालियां देती थी, अब ये भविष्यवाणियां करती है, अब ये अन्य भाषा में बात करती है। बोलिए प्रभु मुझे साफ कर। आज यहां से कोई गंदा नहीं जाएगा। परमेश्वर के घर की एक खासियत है कि जब आप खुदा के घर में आते हैं, वो गंदे से गंदा, पापी से पापी, टूटे से टूटे व्यक्ति को साफ करता है। वही किया ना पिता ने, जब बेटा घर आ रहा था तो पिता ने यही बोला, छड़ी लेकर आओ, आज मैं अपने बेटे को मारूंगा। बहुत सी बार हम पास्टर लोग कठोर हो जाते हैं, आगे वापस तुम, हम मारेंगे तुमको, पैर तोड़ देंगे तुम्हारे। मैं किसी को जानता हूं, जब भी मैं गलती करता था उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलती थी, हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। क्या? हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे, हाथ पैर तोड़ दूंगा। एक दिन मैं थक गया, मैंने कहा लो ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, तोड़ दो। नहीं, जब बेटा घर पे आया
बाप ने बोला बकरा कटेगा, अच्छे कपड़े लेकर आओ, अंगूठियों को लेकर आओ, आज घर में जश्न होगा क्योंकि जो भेड़ खो गई थी आज वो मुझे वापस मिली है। आपके साथ भी होगा, जब आप अपने जीवन को खुदा के सामने रखते हैं आज बाप आपको मारेगा नहीं, परमेश्वर आपको ताड़ना नहीं देगा, परमेश्वर आपके को धार्मिकता के कपड़े पहनाएगा, पवित्रता के कपड़े पहनाएगा, आपके हाथों से अंगूठियों को पहनाएगा और आपके लिए खाने का इंतजाम करेगा। ये मेरा परमेश्वर है, ये पवित्र आत्मा है जो आपके मेरे साथ सहभागिता में रहता है। क्या होता है जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है? एक दिन की बात, स्टीफनुस से परमेश्वर बात करने लगा। स्टीफनुस, बाइबल कहती है कि स्टीफनुस एक दिन प्रचार कर रहा था तो लोग आए और उन्होंने पत्थर उठाए और स्टीफनुस को पत्थर से मारने के लिए तैयार थे। ये स्टीफनुस ने क्या किया? ये घुटने पर आया और इसने एक अध्याय में प्रचार कर दिया, पूरा सुसमाचार सुना दिया। अगर मैं होता तो कहता मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी से गलती हो गई। नहीं, स्टीफनुस ने कहा जान चली जाए पर खुदा का वचन जरूर बोलूंगा। स्टीफनुस वहां पर खड़ा था, लोगों ने पत्थर उठाए, पौलुस ने कहा मार दो, स्टीफनुस कहने लगा मैं अपनी आंखों को ऊंची उठाता हूं और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर का पुत्र खुदा के दाएं हाथ पर खड़ा है मुझे रिसीव करने के लिए। क्या था ये? मैडम मुझे बताइए, सर मुझे बताइए कि जब पत्रस को और चेलों को मार दिया गया, शेरों की खाल में डाल दिया गया, तो उनमें से एक ने भी यीशु मसीह के नाम को धुतकारा नहीं, उसका उन्होंने रिजेक्शन नहीं किया। कैसे? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा था। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, आग आने दीजिए, पानी आने दीजिए, शेरों की मांद आने दीजिए, यहां तक कि बहुत से लोगों का जो चमड़ा होता है, चमड़ा जीते जी चमड़ा निकाल दिया पर फिर भी उन्होंने यीशु के खिलाफ मुंह नहीं खोला। मालूम है मेरी बहन क्यों? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा था। हालेलुया। आप और मैं अपनी ताकत में इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर करेंगे बट थक जाएंगे, पर जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है तो बाइबल कहती है वो आत्मा तेरे साथ सदैव के लिए रहेगा। आप चर्च जाते हैं, संडे आपको अच्छा लगता है, मंडे आप फिर जाते हैं, फिर आप वेडनेसडे को मीटिंग में आते हैं, हालेलुया, फिर थर्सडे। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं है। जब खुदा का रूह अंदर होता है तो संडे आप ऐसे चलते हैं, मंडे आप ऐसे चलते हैं, ट्यूसडे आप ऐसे चलते हैं, वेडनेसडे आप चलते हैं, फ्राइडे को आपके चेहरे पर स्माइल होती है, सारे 32 दांत दिखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। मेरे दोस्त होटल गए, मैं भी उनके साथ था। अक्सर जब हम होटल जाते तो बहुत मजा करते, तो मैनेजर को लगा ये लोग दारू पी के हंस रहे, तो मैनेजर ने बोला होगा वेटर से इनको और दारू मत दो। वेटर ने बोला होगा इनको हमने थोड़ी भी दारू नहीं दी है क्योंकि मुझे खुश होने के लिए दारू की जरूरत नहीं है, मुझे खुश होने के लिए नशे की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद है। बोले पवित्र आत्मा मेरे ऊपर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आखिरी बात पवित्र आत्मा मेरे द्वारा। चर्च है ना चर्च, ये तीन चीजें होता है। जो एंट्रेंस है ना एंट्रेंस, वो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है। जब आप लोग पहली बार आए, आपको किसी ने इनविटेशन दिया, आइए आइए चर्च आइए, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे करके, एक दिन जब आप बहुत बीमार हो गए आप बोले चलो चर्च जाते हैं, वो हॉस्पिटल का एंट्रेंस है। फिर परमेश्वर आपको चंगा कर देता है। कितने लोगों को परमेश्वर ने यहां पर चंगा किया है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद।
उसके बाद इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का, किधर जाने का? स्कूल में आने का। बोलो स्कूल में आने का। स्कूल में क्या होता है? भेलपुरी बनाना सिखाते हैं। स्कूल में क्या होता है? पढ़ाई, खुदा के वचन की पढ़ाई। एक बार जब परमेश्वर आपको बाहर निकालता है तो फिर कुछ लोग हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकलते। हर संडे आएंगे पास्टर प्लीज दुआ कर दीजिए, हर संडे आएंगे पास्टर प्लीज दुआ कर दीजिए। हमको दुआ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम यह कि आप हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकलते। कितने लोगों ने रायनार्ड बोंके के बारे में सुना? इवेंजलिस्ट रायनार्ड बोंके बहुत बड़े खुदा के सेवक थे। उनकी मीटिंग में मालूम है कितने लोग आते थे? 70 लाख लोग। बाप रे, 70 लाख क्या होता है? लोग। एक दिन की बात, एक स्त्री उनके पास आए, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो पास्टर खड़े थे, पास्टर ने सिर पर हाथ रखा, कहा यीशु के नाम से आसान होता। वो सिस्टर एकदम हिली, चली गई, घर चली गई, अच्छा लगा। 3 दिन की मीटिंग थी। दूसरे दिन मीटिंग के बाद वापस, पास्टर। तो दूसरे दिन भी पास्टर ने हाथ रखे प्रार्थना करी, स्त्री चली गई। तीसरे दिन वापस ये बहन आई, कह रही पास्टर। तो खुदा के सेवक ने बहुत अच्छी बात बोली। बताओ आपको सुनना चाहते हैं आप? पास्टर सुनना चाहेंगे? खुदा के सेवक ने बोला, जो चूल्हा होता ना, चूल्हा जिस पे आप खाना बनाते हैं, जब चूल्हे पर आग नहीं होती तो मक्खियां आके बैठती है, पर जब चूल्हे में आग होती है तो बड़ी से बड़ी मक्खी दूर भागती है। जब आपके जीवन में परमेश्वर की आग होती है तो मक्खियां दूर भागती है, दुष्टात्माएं दूर भागती है, पर जब आपके जीवन में आग नहीं होती, पास्टर बोलिए प्रभु मेरी आग बढ़ा। एक दिन की बात है, पास्टर 5 मिनट है, 5 मिनट बोलू नहीं, मतलब मेरे को जिंदा भी तो रहना है, पता ना मीटिंग के बाद मेरी का। भाई साहब अटकी है। एक दिन की बात है, 18वीं सदी की, मैं आपको कहानी बता रहा हूं, सत्य कहानी। एक परिवार, 3 बच्चे, एक 3 महीने का बच्चा, हस्बैंड और वाइफ, इनको रोमी सरकार पकड़ लेती है और इनसे कहती है यीशु मसीह को नकारो, यीशु मसीह को क्या करो? नकारो, तुम्हारे सर पे भी बंदूक रखेंगे, बोलेंगे यीशु मसीह को नकारो। इस परिवार को बहुत बड़े मैदान में लेकर गए, चारों ओर लोग बैठे हुए, तालियां बज रही है, आवाज हो रहा है, लोग बैठे हुए, हजारों लोग बैठे हुए। इनसे पूछा गया सबके सामने, यीशु मसीह को नकारो, बोलो कि वो तुम्हारा प्रभु नहीं है। इन्होंने कहा जान जाएगी तो भी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले जो घर का मुख्य था, हस्बैंड, पापा जो थे, उनको उस मैदान के बीच में लाया और एक डंडे में बांध दिया। शेरों को छोड़ा, शेर भूखे शेर छोड़ दिए, गया शेर 5 मिनट में इस आदमी को खा दिया, 5 मिनट में हड्डियां हट गया। फिर वो लोग आए मां के पास, कहने लगे तेरा पति मर गया है, अब तो यीशु मसीह को नकार। उसने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं नहीं नकारूंगी। उसके बड़े बेटे को लिया, बड़े बेटे को लिया, डंडे पर बांधा, शेरों को छोड़ा, शेरों ने तीन चार मिनट में खत्म कर दिया। मां के पास गए, पूरा जो जितने लोग थे तालियां बजा रहे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको मजा आ रहा है। पहला बेटा गया, बाप गया, 2 बेटे बचे, या 2, 1 बेटा एक बेटी और एक 3 महीने का बच्चा और स्त्री। ये लोग आए, कहने लगे तेरा एक बेटा भी मर गया है, अब तो यीशु मसीह को नकार। इसकी आंखों में आंसू, ये रो रही है,
बिलख बिलख के रो रही है, कह रही है जब तक जान है तब तक यीशु मसीह को नहीं नकारूंगी। ये इसके दूसरे बच्चे को लेते हैं, डंडे के पास लाते हैं, बांधते हैं, शेरों को छोड़ते हैं, शेर दो मिनट में काम तमाम करते हैं। अब लोगों की तालियां थोड़ी कम होने लगी है, लोग आपस में पूछने लगे ये कौन है जिसके लिए अपने जान की परवाह नहीं कर रही। ये लोग वापस आए, कह लगे तेरे दोनों बच्चे मर गए, अब तो यीशु मसीह को नकार। रो के कह रही जब तक मेरे अंदर जान है मैं यीशु मसीह को नहीं नकारूंगी। इसकी बेटी थी, बेटी को ले लिया, डंडे पर बांध दिया, फिर उसके पास आए, तेरी बेटी मर जाएगी, बोल के तू यीशु मसीह को नहीं जानती। इसने कहा जान जब तक है तब तक नहीं, शेरों को छोड़ा, शेरों ने एक मिनट में काम तमाम कर दिया, एक मिनट में। जो लोग थे अब इनकी तालियां बंद हो गई। ये राय यीशु की इस लड़की के पास आए, ये स्त्री तेरा पति मर गया, तेरे तीनों बच्चे मर गए, अब तो अपनी जान की और इस 3 महीने के बच्चे की परवाह कर, मना कर दे, तू बोलते नहीं जानती यीशु को क्या होता है। उसने कहा जान जाएगी तो भी यीशु को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने 3 महीने का बच्चा छीना, उसको बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसको रखा, शेर आया 10 सेकंड में काम तमाम। सारे लोगों के आंखों में आंसू, अब वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये कौन है जिसने अपने जान की परवाह भी नहीं करी। उस दिन मेरे प्यारों, वो जगह पर जहां पर हजारों लोग थे उनको यीशु मसीह के बारे में पता चला। आपके अंदर जब पवित्र आत्मा होता है आपको परवाह नहीं होती, जान है तो है, जान नहीं तो नहीं, पर यीशु मसीह को नकारूंगा नहीं। उस दिन उस स्टेडियम में हजारों लोगों ने यीशु मसीह के बारे में जिंदा गवाह को देखा। स्त्री ने अपने पूरे परिवार को दे दिया पर यीशु मसीह को नकारा नहीं। आपको और मुझे जरूरत है, बाइबल कहती है वो आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम मेरे लिए गवाह बनोगे, गवाह बनोगे, तुम्हारा चलना गवाही होगा, तुम्हारा बोलना गवाही होगा, तुम्हारा किसी से हाथ मिलाना गवाही होगा। लोग जब तुम्हारे दुकान में आएंगे बोलेंगे तुम्हारा परमेश्वर फर्ज है, हालेलुया, तुम गवाह बनोगे। तुम गवाही क्यों नहीं दे पाते, तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह ने इतने काम किए, तुम मुंह क्यों नहीं खोल पा रही हो, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। आज बोलिए प्रभु तेरी आत्मा को भेज ताकि मैं गवाह बन सकूं। पवित्र आत्मा मेरे अंदर और पवित्र आत्मा मेरे द्वारा। 70 लोग आए, 70 चेले आए यीशु मसीह से कहने लगे, यीशु मसीह तेरे नाम से तो दुष्टात्मा भी निकल जाती है। यीशु ने कहा तुम्हारे बॉस को मैंने स्वर्ग से नीचे गिरते हुए देखा है, तुम क्या उसकी बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे मालिक को गिरते हुए देखा है, जाओ मैं तुमको अधिकार देता हूं। यहां पे बेटा हर एक मसीह आप अधिकारी हो, हेलो, आप अधिकारी हो, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट कभी सोचा है मैंने अपने बच्चे को प्रार्थना योद्धा बनाना चाहिए। हम सब कुछ बना लेंगे, जब जीवन में प्रॉब्लम आती है तो पहला कॉल पाई साहब को जाता है, क्यों, क्योंकि घर पे प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। पर आज नहीं, आज यहां से पवित्र आत्मा से भर के लोग घर जाएंगे। जब आपके अंदर खुदा का रूह होता है, बाइबल कहती है कि वो रूह सबसे पहले तुमको सिखाएगा। आपको याद नहीं रहता, आपको प्रचार करने नहीं आता, चिंता मत करिए मुझे भी नहीं आता था, मूसा को तो बोलने ही नहीं आता था, पत्रस कभी बाइबल कॉलेज गया ही नहीं, यूहन्ना कभी बाइबल कॉलेज गया ही नहीं, तो इन्होंने प्रचार
यीशु मसीह नेशनल पेंटिकॉस्टल चर्च के बाइबल कॉलेज गया ना, है ना? यीशु मसीह मुंबई के कोई बाइबल कॉलेज में आया है ना? तो यीशु मसीह को प्रचार करना किसने सिखाया? यहां से यहां तक कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति रात को 3 बजे उसके पास आया और उस सिवाय में क्या कहने लगा? कहने लगा, तू जो काम करता है ये हो ही नहीं सकता अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो। मेरे भाई मेरी बहन, चिंता मत करो, कैसे करोगे? खुदा का रूह तुमको सिखाएगा, तुमको बात करना सिखाएगा। यार हमको तो गाना गाने नहीं आता, भाई सब कहते गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ, हमको तो गाने नहीं गाने आता, छोड़ा जाने तुम जा रहे। नहीं नहीं नहीं, खुदा का रूह गाना सिखाएगा, खुदा का रूह तुमको बात करना सिखाएगा। हमको प्रार्थना करने नहीं आती, चिंता मत करिए, परमेश्वर का रूह आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। मुझे धंधा करना नहीं आता, लोग क्या बोलेंगे, चिंता मत करिए, परमेश्वर धंधों का धंधा करता है, परमेश्वर भी गुजराती है। मैंने कहा परमेश्वर भी गुजराती है। गुजराती लोगों को धंधा करने आता है, परमेश्वर को भी आता है। कह रहा मेरे को 10% दो, तुम्हारे 90% को मैं आशीष दूंगा। फिर एक जगह पे कहने लगा, कल हमने पढ़ा, जो मेरे लिए घर दे दे, जायदाद दे दे, मां दे दे, बाप दे दे, उनको मैं क्या दूंगा? 100 लौटा कर 100 गुना। इधर ही धंधे वाला परमेश्वर है, क्या धंधे आते हैं? मत चिंता करिए धंधा कैसे करेंगे, परमेश्वर का रूह ईमानदारी के साथ धंधा करना सिखाएगा। हालेलुया। मत चिंता करिए कैसे कर पाओगे, कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर के रूह के द्वारा होगा। इसे लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को खूबसूरत बनाए। हर मां जो यहां पर बैठी है, हर बेटी जो यहां पर बैठी है, हर एक पापा जो यहां पर बैठे हैं जिनको कोई नहीं पूछता, आपकी इज्जत खत्म हो गई है, बट खुदा आज आपकी खूबसूरती को बढ़ाएगा। तुम्हारी शक्ति जो खत्म हो गई है, परमेश्वर का आत्मा यहां पर मौजूद है कि आपको शक्ति दे सके। आप जो काम करके थक गए हैं, सुबह शाम आप सिर्फ काम ही करते हैं, आप कहते हैं प्रभु कैसे हो पाएगा, परमेश्वर आज आपको नई आत्मा देता है, ताकत देता है, आपको बल देता है। हालेलुया, हालेलुया।
सुबह लोगों के जीवन को खूबसूरत बना रहा है। पाप ने, गलत कामों ने आपकी खूबसूरती को छीन लिया, पर यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाए। आज हर भाई, हर बहन, हर बेटी और हर बेटे के जीवन को परमेश्वर खूबसूरत करता है। आप यहां से खूबसूरत घर लौटोगे और इस बारिश के मौसम में सिर्फ पानी नहीं गिरेगा, बट परमेश्वर की बरकतों की बारिश इस साल तुम्हारे जीवनों पर गिरेगी यीशु के नाम से। जब बारिश गिरती है तो बीज में से फसल आती है। जितने बीज आपने सालों में बोए हैं इस कलीसिया में, परमेश्वर अपनी बरसात को भेजकर 2023 में आपके लिए फसल भेजता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि यहां पे बैठे हर एक स्त्री और पुरुष का जीवन खूबसूरत होने पाए, खूबसूरत होने पाए, खूबसूरत होने पाए, खूबसूरत होने पाए। परमेश्वर की आग से हर दुष्टात्मा का बंधन यीशु मसीह नासरी के नाम से अभी टूटता है, इसी वक्त टूटता है। वो हर बात जो कलीसिया को तोड़ने के पीछे है, वो हर छुपी साजिश जो कलीसिया को तोड़ने के पीछे है, यीशु मसीह के अग्नि से सारी बातों का खुलासा किया जाए। तेरी कलीसिया के खिलाफ नरक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। प्रभु दया कर, दया कर प्रभु, इस कलीसिया को दुगना कर, दुगना कर प्रभु। बाजू का खेत भी कलीसिया बन जाए, जैसे उस खेती में फसल है, कर्मों की फसल है, वैसे लोगों की फसल आने पाए। हे मांचो रे महासो, कर्मों की जगह पे लोग मां खान दे रे महासो रे मांचो किया ना नमा। प्रभु इस कलीसिया की चारों ओर तेरे फरिश्तों को मांगता हूं, वो फरिश्ते जो बिशप साहब छोड़ के गए हैं उसके साथ ऐसे फरिश्ते भेज, तेरे मिनी के फरिश्ते भेज, तेरे मिनी के फरिश्ते भेज। जो लोग इस कलीसिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो गड्ढा वो खोदते हैं, इस साल मैंने कहा इस साल वो खुद उस गड्ढे में गिर जाए। तेरे कलीसिया के चारों ओर आग के बारे को लगा और इस कलीसिया को सिर्फ बाहर से नहीं परंतु अंदर से खूबसूरत बना, खूबसूरत बना, परिवारों को खूबसूरत बना, लोगों के जीवनों को खूबसूरत बना। एक हम पांचो रे मांचे ईरा पांचे रे शापा पायांगो रो हो से लिखा दे रे पांचो का महान सुखिया करना। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मौजूद है यहाँ पर, तेरा रूह यहाँ पर मौजूद है। परमेश्वर लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे प्रभु। कोई यहाँ से बीमार घर नहीं जाएगा। अगले संडे कमाइयां होंगी, कमाइयां होंगी, मुर्दे मुर्दे फिर से उठेंगे, लंगड़े फिर चलेंगे, अंधे फिर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो
दूर जा।